Thank you. In deep gratitude and love to all masters. Thank you. Thank you, Vijeshwar. बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही वंडरफुल. तो मैम हम देवी माँ के गुणों को धारण कर रहे हैं. प्रतिदिन हम देवी माँ का एक गुण लेते हैं, अबंडेंस, पावर, गुडनेस. और आज का जो गुण है वो है लव. जब हम देवी माँ के स्वरूप को देखते हैं तो प्यार उमड़ने लगता है. और जो प्रेम की परिभाषा है, प्रेम बराबर मातृत्व भाव, माँ का भाव, मातृत्व, प्योर फैमिनिन एनर्जी, प्योर फैमिनिन एनर्जी. अगर हम अपने आप से एक उदाहरण लें कि प्रेम कहाँ महसूस होता है, तो हम पूछें कि पैरों में, हाथों में, सिर में, कहाँ पर? तो हम कहेंगे कि दिल में, दिल से, दिल में प्रेम का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ है? वो हृदय है. और हृदय अगर हम देखें तो हृदय अगर भीतर से देखें तो खाली है, एम्प्टीनेस. द हाईएस्ट स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस is the emptiness. The highest state of the consciousness of expression is love. सबसे ऊंची स्थिति है प्रेम की, सबसे ऊंची स्थिति है महाशून्यता की, जहां पर सब कुछ मिट जाता है, सब खत्म हो जाता है. खाना खाते हैं ना, खाना खाया तो खाना सीधा हृदय में नहीं जाता है. खाना कहाँ जाता है? हमारी फूड पाइप में, फूड पाइप से हमारे पहले स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, पचेगा, पाचन होगा, पाचन के बाद वो शोषित होगा, शोषित होने के बाद वो लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद वो लिवर के पीछे से एक पाइप निकलती है, पोर्टल वेन, वहां से वो निकलेगा, वहां से वो खाना जो है धीरे धीरे खून में मिलेगा और खून में मिलने के बाद फिर वो हृदय में आता है. तो हृदय के पास अब अंदर कोई जगह नहीं है, हृदय खाली है अंदर से. चार चैम्बर हैं बस उसके, सिर्फ चार चैम्बर हैं और वहां पे ब्लड आता है, खून आता है और वापस चला जाता है. कहाँ पर? दोनों तरफ जो लंग्स हैं वहां पे अपना प्राण शक्ति लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए चला जाता है. वहां से फिर से वो प्राण लेता है और फिर से वो वापस हृदय में आता है. हृदय में आने के बाद फिर से वो पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से रक्त संचार पूरे शरीर में होता है. तो हरेक सूक्ष्म शरीर में हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हर एक गुण की अपनी जगह है, हर एक गुण की. जैसे कल हमने गुडनेस का और एविल की बात की, आज हम प्रेम की बात करते हैं. तो देवी माँ का मतलब कि जो आर्किटाइपल जो क्वालिटीज हैं, जो हायर क्वालिटीज हैं, हायर क्वालिटीज, उसमें टॉप पोस्ट पे लव आता है, प्रेम आता है. और प्रेम के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रेम के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता. अगर होता है तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटी रहती है. अब अगर हम सही में प्रेम को समझना चाहते हैं तो प्रेम एक थ्योरी नहीं है, प्रेम को हम थ्योरी में बांध नहीं सकते कि ऐसे थ्योरी है और ऐसे ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और ऐसे करने से दुकान पे कहीं मिल जाएगा या हमारी किताबों में मिल जाएगा कि प्रेम की ये थ्योरी है और आप इस प्रेम की थ्योरी को पढ़िए और प्रेम को उत्पन्न कर लीजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेम एक ऐसी भाषा रहित भाव है, भाषा रहित भाव है, जहां पर हम उस प्रेम को किस प्रकार से उजागर करें वो हमें खुद ही सीखना होता है। प्रेम अग्नि, प्राण अग्नि, ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि आने के बाद फिर प्रेम अग्नि प्रज्वलित होती है। कैसे? जैसे अभी खाने का उदाहरण दिया, हृदय तक पहुंचते पहुंचते सारा खाना डाइजेस्ट होकर खून में मिलके फिर 4 चैम्बर्स में जाता है। सेम उसी प्रकार से जो अनकंडीशनल लव है, जो निर्लिप्त भाव का जो प्रेम है, वो जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं हमारे स्थूल शरीर से परे है, स्थूल शरीर से परे है। इसीलिए इस पूरी धरती पर जो दुख है वो प्रेम के अभाव में है, जो दुख है वो प्रेम के अभाव में दुख है, क्योंकि हम प्रेम चाहते हैं। प्रेम चाहते हैं जब हम खाना खाएं तभी भी, जब हम अपने फैमिली के साथ रहें तभी भी, और चाहे हम ऑफिस में तभी भी। हर वक्त हमें एक भूख रहती है, वो रहती है प्रेम की भूख। लेकिन कैसा प्रेम चाहिए हमें? निर्लिप्त भाव का, निर्विकार का प्रेम चाहिए, निर्विकार चाहिए। क्योंकि जो प्रेम है ना, उसके सामने इतनी मोटी दीवार है, इतनी मोटी दीवार है। प्रेम एक तरफ बैठा है और दीवार बीच में है। वो दीवार कौन सी दीवार है? दीवारें इतनी मोटी दीवार है कि वहां तक पहुंचना, वहां तक एंटर करना बहुत मुश्किल है। अहंकार की दीवार है, मटेरियलिज्म की दीवार है, नखरे हैं हमारे, मिलावट है, दुनिया भर की मिलावट है। इतनी मोटी दीवार है, दुनिया भर की मिलावट में वो जो प्योर कॉन्शियसनेस, जो प्रेम है, उसको हम पा ही नहीं पाते, ना हम दे पाते ना हम ले पाते। दोनों ही चीजें अभी हम अभाव में जी रहे हैं। पूरी दुनिया इस प्रेम के अभाव में रोगों से युक्त है, रोग युक्त है, रोग मुक्त नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम हील करता है, हीलिंग देता है। अगर हम प्रेम की हीलिंग कहें तो हृदय बात ही नहीं करता, यहां से बात करते हैं। हेड होम को बोलते हैं, क्वांटम में इसको बोलते हैं हेड होम को। तुम्हारा हमेशा दिमाग बोलता रहे, तो तुम प्रेम भी करते हो तो दिमाग से करते हो, हृदय से नहीं करते हो। इतनी मोटी दीवारें हमने बना रखी है। प्रेम तो कहीं सपनों में भी नहीं सोच सकते, हम सपनों में भी नहीं सोच सकते। रियल में तो पता नहीं कैसे आएगा। एक मुझे बात याद आ रही है बीच में ही, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, एकदम से बात याद आ गई। एक जब गाय के ऊपर हम काम कर रहे थे लगभग 5 साल पहले, तो गायों से जब प्यार करते हैं, प्यार की परिभाषा नहीं है, प्यार की कोई थ्योरी नहीं है। तो एक बैल था जिसको काफी चोट लगी हुई थी और उठ नहीं सकता था। जब हम उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं तो आपका हेड काम नहीं करता, आपका दिल काम करता है। मुझे भी नहीं पता था ये बात। तो एक व्यक्ति थे, काफी मतलब बुजुर्ग थे, उनके गले में एक टैग लगा हुआ था कि पानी के लिए वो काम करते थे, कि पानी पिलाने के लिए सेवा करते थे। तो मैंने उनका ड्यूटी लगाया कि बहुत ठंड है, आप जो है मत घूमो, आप तंग हो जाओगे, आप इस बैल के पास बैठ के सिर्फ आपने कुछ नहीं करना। बहुत सारे बैल गायें बीमार थी उस वक्त, तो आपने सिर्फ प्यार से हाथ फेरना है। तो मैं एक प्रेम की बहुत छोटी सी जो दिल को छूने वाली बात है। तो उसने कहा जी ठीक है। मैंने उनके 2 ईंटें रख दी कि वो आराम से बैठ जाएंगे, और 2 ईंटें रखने के बाद मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए और सिर्फ ये बैल के, इस काले बुल के आप प्यार से हाथ फेरिए, बस यहाँ पर ऐसे चेहरे पर। उसने कहा जी ठीक है। तो हम जो और कुछ डॉक्टर्स थे, हम दूसरे गायों को देखने के लिए इधर उधर चले गए। अर्ली मॉर्निंग का समय था, बहुत सर्दियां थी और ऊपर छत नहीं थी। तो अब वो जो प्यार से हाथ फेरने के लिए वो ऐसे ऐसे हाथ फेरने लगे, इतना तेज तेज हाथ फेरने लगे। तो मैं दूर से मैंने देखा कि ये इतना तेज मुंह के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, ये तो प्यार नहीं है। आई थिंक मतलब प्यार इज समथिंग मिसिंग, ऐसे मुझे अंदर से फील है। तो मैं आई, मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी से ऐसे प्यार करते हैं? आप बताइए कि क्या ये बैल है सिर्फ इसलिए हम ऐसे ऐसे बस बिना भाव के हम हाथों को फेर रहे हैं कि वी आर गिविंग लव टू एनिमल्स? नहीं, ये ऐसे मत करो आप, प्लीज मत करो ऐसे। आप ये सोच के करो कि क्या मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, तो मैं कैसे प्यार करूँ? प्यार करने का जो भाव है वो मिसिंग है, मिसिंग मिसिंग है, वो खत्म हो चुका है। बच्चे को जब हम ये कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा कर लो, तो हमारे अंदर जब माँ एक बच्चे को जन्म लेती है, मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, सिर्फ अनुभव है, कि अंदर एक माँ के दिमाग में 9 महीने तक ये रहता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो प्यार का भाव में है नहीं, कहीं प्यार का भाव नहीं होता है। लड़का हो जाएगा तो चलो ठीक है, धन संपत्ति रहेगी, लड़की हो जाएगी तो चलो भाई लड़की भी हो गई तो ठीक है, शादी कर देंगे, कोई बात नहीं। प्यार का भाव मिसिंग है, मिसिंग। और फिर जब बच्चा हो जाता है उसके बाद भी प्यार के भाव का अभाव ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनको लालच में कुछ कुछ चीजें और सिखा रहे होते हैं। नहीं बेटा तुम ऐसे दूध पियो तो तुम बड़े हो जाओगे, नहीं, फियर सिखाते हैं। प्यार की बजाय हम फियर सिखाते हैं। माँ एक संपूर्णता से, जब हम देवी के गुणों को देखते हैं तो संपूर्णता में उनके प्रेम का सागर फूट रहा होता है। तो क्या सेम हमारे अंदर भी वो प्रेम का सागर फूट रहा है? मेरे को तो अपने अंदर से भी ऐसा आता है कि अभी तो मुझमें बहुत कमियां हैं, बहुत गैप है, एक इतनी मोटी दीवार है जहां पर हम उन चीजों को सप्रेस किए पड़े हैं अपने बच्चों के लिए। बन के बच्चा अगर चिल्लाएगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, डराते हैं कि बाहर कोई आ जाएगा। प्यार हमारे अंदर वो प्यार का फुहारा है ही नहीं जो फूट जाए, वो गुण नहीं है। और कितने जनरेशन से नहीं, जीन्स में ही नहीं है वो प्रेम का भाव। क्यों? क्योंकि हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं। इतनी मोटी दीवार है, इधर प्रेम बैठा है, तड़फ रहा है कि तुम प्रेम सीखो, तुम प्रेम सीखो, और इधर इतनी मोटी दीवार है। उस मोटी दीवार में माँ का भी अहंकार छुपा हुआ है और प्रेम मिसिंग है। जब हम देवी के स्वरूप को देखें, देवी के हृदय को देखें, तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। हम उनसे क्या मांगते हैं? उनसे मांगते हैं कि तुम मुझे अबंडेंस, प्रचुरता में जो तुम देना चाहते हो वो दो, तुम प्रेम दो मुझे। लेकिन हमें लेना नहीं आता, क्योंकि हम जब किसी को देते ही नहीं तो हमें लेना भी नहीं आता, वो लेना भी नहीं आता। हम बस बहुत जल्दी में है, माँ के स्वरूप को याद करते हैं, उसमें भी हमें जल्दी है। अभी वो माँ देना ही शुरू करती है, उतरना ही शुरू होती है, हृदय ही खोलना शुरू होती है। एकदम से तो नहीं है ना कि आ जाओ। बड़ा गेट खुलेगा जब कोई गेस्ट आता है, तो पहले हम घर का मेन गेट खोलते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर ड्राइंग रूम का गेट खोलते हैं, फिर उनको बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, कॉल करते हैं, नहीं जल्दी सी दे दे, बस खत्म हो काम, जल्दी सी, पूरा दिन भर हमें बहुत काम करना है। कभी हम प्रेम मांगना भी नहीं जानते कि हम कैसे वो प्रेम देने वाली हैं, वो शुरुआत कर रही हैं, और शुरुआत करते करते हृदय के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं ओके टाटा बाय बाय, क्योंकि तुम जा रहे हो, मैं तो तैयार थी तुम्हें देने के लिए। इतना जल्दी है हमें, इतनी प्रेम इधर बैठा है और प्रेम की दीवार इतनी मोटी, यहाँ पे प्रेम के सामने एक दीवार है जहाँ पे हमें जल्दी है, बहुत जल्दी है, घर के काम छूट जाएंगे, प्रेम नहीं हम उनसे ले सकते। हृदय के दरवाजे तो खोलने के लिए तैयार है। आर्किटाइपल वैल्यूज, आर्किटाइपल सुप्रामेंटल बॉडी जब खुलती है हमारी, तो ऑटोमेटिकली प्रेम बरसने लगता है। द वननेस, ऊपर और नीचे का, ऐसे बोलने में हायर कॉन्शियसनेस, हम हायर कॉन्शियसनेस में एक हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अरे मुझे तो ये प्राप्ति हो रही है। हायर कॉन्शियसनेस के लिए पेशेंस चाहिए, वो दरवाजे खोलने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस लानी पड़ेगी, साइलेंस होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। हृदय के चार दरवाजे, चारों पट अंदर से खाली हैं बिल्कुल। आप देखो फिजिकली भी देखो तो अंदर से हृदय खाली, कुछ नहीं है उसमें, और हम अभी भरे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सेल्फिश हैं, बच्चों को लेके सेल्फिश, अपने पार्टनर को लेके सेल्फिश, अपने घर को लेके सेल्फिश। मूलाधार चक्र, नीचे मूलाधार है, पृथ्वी गुण है, भरा हुआ है, filled up with the materialism, मूलाधार सबसे नीचे, इसलिए वहां पे कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सुकड़ी हुई है। वहां पर वो कॉन्शियसनेस कैसे, कुंडलिनी सोई हुई है, कुंडलिनी और कुछ नहीं है, समझने की बात है सिर्फ। इतना मटेरियलिज्म भाग रहे हैं, कौन सी आराधना करने वाले हैं हम देवी के। एक बार आंख बंद करके प्यार से उसको बुला के तो देखो, अपने दरवाजे हृदय के खोल के तो देखो, शांत उसको कहो कि मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजों को खुलते हुए देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को पा रहा हूँ। द एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ लव, वो नहीं आता हमें, वो आता ही नहीं, क्योंकि उधर वो तैयार है, इधर मैं तैयार नहीं हूं। वो तो हमेशा तैयार है, लव और कुछ भी नहीं उनके पास, तो निर्गुण, निर्गुण है वो, उनके पास प्यार का भंडार है, प्यार का भंडार है उनके पास। बट वी डोंट नो हाउ टू टेक, हाउ टू रिसीव दैट लव फ्रॉम दैट गॉडेसेस ऑफ लव। इतने प्यार की देवियां हैं, हर देवी में प्यार भरा हुआ है, उमड़ा हुआ है, प्रेम का स्वरूप। माँ ऐसे ही नहीं शक्ति मिल गया। नीचे मूलाधार चक्र सुकड़ा हुआ है हमारा, बस अब मटेरियलिज्म में फुल है। इतना मोटा दीवार है कि जहां पे मटेरियलिज्म है। फिर मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान, पृथ्वी के ऊपर जल गुण है। जल हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, लालच, मोह में लिपटे हुए हैं, मोह के पूरे लिप्त हैं, पूरे भरे हुए हैं मोह से। ये मेरा रिलेशन है, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरा रिलेशन है, मेरा ये रिलेशन है, छोटा है, बड़ा है, परिवार है, क्या है पता नहीं, निर्लिप्त भाव नहीं है। तो निर्लिप्त नहीं है तो माँ तो तैयार बैठी है देने के लिए, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ लव। बट हमें नहीं पता है कि हम उस मोह को किस तरीके से नष्ट करें, मोह को कैसे नाश कर दें, खत्म कर दें, डिटैचमेंट में रहें, अटैचमेंट को छोड़ के डिटैच हो जाए, तब हम अपने परिवार वालों से भी प्यार कर पाएंगे। और मणिपुरा, जहां पर अग्नि, अहंकार बैठा है, नाभि के पास अहंकार, और इधर इतनी मोटी दीवार है, इधर प्रेम वेट कर रहा है कि मैं तो तुम्हारे पास हूं, ये तो आवरण तुमने ही हटाने हैं, तुम हटाओ ये आवरण। प्रेम अग्नि जल रही है, प्रेम अग्नि जल रही है, लेकिन हम उसको लेना नहीं जानते हैं। ज्ञान अग्नि, प्राण अग्नि, प्रेम अग्नि, जिसमें एक हो जाए दोनों, एक बार ट्राई करके देखिए, उसको देखिए कि देवी माँ के गुण, देवी हमारे सामने एक विराट स्वरूप में खड़ी है, क्या मैं और वो एक हो सकते हैं? दैट इज द मीनिंग ऑफ लव। प्रेम वो है जहां पे एक हो जाए, वो प्यार जहां पे हम फिजिकली उस प्यार को समझते हैं, जहां पर उस फिजिकली रिलेशनशिप में जहां पर वो प्यार है, वो प्यार की परिभाषा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वहां पर हम एक कभी भी नहीं हो सकते। खलील गिब्रान को अगर हम पढ़ें तो वो यही बोलते हैं कि वी कांट बिकम वन। क्यों? क्योंकि हम ऐसा प्रेम करते ही नहीं, ऐसा प्रेम करते ही नहीं। पति लेट आया या पत्नी लेट आई तो फटाक से चिल्लाएंगे द मिसिंग ऑफ लव, मिसिंग ऑफ लव, क्योंकि मेरा प्यार का पैमाना बदल रहा है क्योंकि तुम बदल रहे हो। बच्चा, अगर बचपन में हम प्यार करते हैं और बच्चा बड़ा होके अपनी शादी करके अलग घर बसा ले तो बच्चा बेकार है, क्योंकि हमारी केयर नहीं करता। तो प्यार का पैमाना बदल गया हमारा। क्यों? क्योंकि वो बदल गया, इसलिए हमारा प्यार का पैमाना भी बदल गया। कौन सी माँ फिर, कौन सी माँ, कौन सी माँ? हम माँ एक प्रेम की मूर्त है, झूठ है, फिर पूरा झूठ है। अगर बच्चा अपना शादी करके अलग घर बसा लिया तो माँ को तकलीफ क्या है? जैसे बचपन में वो प्यार करती थी, वो बड़े होकर भी तो वैसा ही रहे ना, प्यार का पैमाना बदलता है। लेकिन आर्किटाइपल लव में प्यार का पैमाना नहीं बदलता, वहां पर प्यार का पैमाना वैसा ही रहता है। अबंडेंस जो माँ से हम प्राप्त करना चाहते हैं, वैसा ही हम भी माँ के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में, भाई के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में, वैसा ही प्यार का पैमाना एक जैसा रखें। निर्गुण निर्विकार प्यार, अबंडेंस ऑफ लव। बच्चे ने एक बार गलत काम क्या कर दिया, प्यार का पैमाना बदल जाता है। लड़की शादी होके चली गई तो भी प्यार का पैमाना बदल जाता है। आप देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने रिलेटिव्स को देखिए, सब कुछ बदल जाता है। क्यों? फिर प्यार कहाँ है? वो कौन सा प्रेम का परिभाषा है? हम बोलते हैं नहीं हम तो बहुत प्रेम करते हैं, या वो दूसरा पर्सन वो बहुत प्रेम करता है। प्रेम का पैमाना नहीं बदलना है, हमें पूर्णता से उस प्रेम को भर के रखना है। वो प्रेम की अग्नि कभी भी नहीं बुझती है। दैट इज द लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं। आप हमेशा जिंदा हो, जो शाश्वत है। ये जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज लाइव, जिंदा है, मरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम का पैमाना कभी नहीं बदला, वो प्रेम में एक जैसे हैं। आज भी हम कितना ही गलत काम करें तो भी वो तैयार बैठे हैं अबंडेंस ऑफ लव के लिए। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण स्थिति में, निर्लिप्त भाव में हमें प्रेम देने के लिए तैयार है। ऐसी प्यार की मूर्त बन जाना जहां पर भेद खत्म हो जाए। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो इम्यून सिस्टम है, अब हम अगर साइंटिफिकली बात करते हैं क्वांटम साइंस की, जहां पर प्रेम की जो परिभाषा है वो बताई गई है, कि डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा का एक बहुत पिट लाइन है, वो बोलते हैं कि इफ यू हैव एनी ब्लॉकेजेस इन योर माइंड, अगर आपके पास एक छोटा सा भी रुकावट है कि वो ऐसी जात का है, या वो बेकार है, या वो खराब है, या वो ऐसा है, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, तुम रोगी हो, तुम बीमार हो। तो जहां पर इस तरह की ब्लॉक क्रिएट होने शुरू हो जाए, वहां पर प्यार का दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि फिर यू आर डिस्टर्बिंग योर इम्यून सिस्टम, जहां पे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इधर डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ भी छोटे से छोटा भी तुम्हारे अगर कोई मन में, भाव में, विचारों में ब्लॉक आता है तो तुम बीमार हो। कहाँ से? शरीर से नहीं दिखता है, अंदर से तुम बीमार, इलनेस। और इधर डॉक्टर अमित गोस्वामी बोलते हैं कि जब तक दो चीजें एक नहीं हो जाती, वननेस नहीं होता, तब तक आपकी इम्यूनिटी बूस्ट ही नहीं कर सकती। क्वांटम साइंस, द वननेस, वननेस हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नहीं मेरा बच्चा ऐसा है, नहीं मेरा बच्चा अहंकार में आ जाएंगे, नहीं अगर मेरा बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर गाने गाता है तो अहंकार आ जाएगा, मेरा बच्चा टॉप करता है तो अहंकार आ जाएगा, तो भी वननेस नहीं है। वननेस में इतना स्मूथ, जैसे अभी जो म्यूजिक चल रहा था हमारा मेडिटेशन करते हुए, उस स्मूथनिंग, वो स्मूथनिंग चाहिए हमें, एकता चाहिए, एकता जो दोनों चीजों को मिला सके, वननेस हो सके। वहां पे आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जहाँ पे कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस में, उस समुद्र में कोई ऐसी लहर ही ना हो जहां पे हम ऐसा भाव रखें, वो है दैट इज कॉल्ड लव। डॉक्टर अमित गोस्वामी वंडरफुली एक्सप्लेन, तो नतमस्तक होंगे कि उन्होंने कैसे उस प्रेम को उस साइंटिफिकली, उस परिभाषा में उन्होंने थोड़ा सा बांध दिया कि प्रेम मतलब कि जहां पे तुम दोनों एक हो रहे हो, नॉट एज ए आइडेंटिटी, तुम एकता, तुम उसको अपने दायरे में ले रहे हो। आ जाओ, अगर आपका पेट है आ जाओ, तुम प्यार के दायरे में ले लेना, इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना। वो कहते हैं देयर इज नो मेडिसिन फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, नो नीड, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हें सिर्फ एक वर्ड है, दैट इज द लव, द अनकंडीशनल लव, जहां पे प्यार का पैमाना ना बदलो। दुनिया दोस्त बनाती है, अभी कुछ साल के बाद खत्म हो जाता है वो सब कुछ, क्यों? वो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी। बचपन से लेके अभी तक पता नहीं क्या क्या, किन किन पड़ावों से हम निकले हैं, हम समझ ही नहीं पाए कि ये प्रेम की परिभाषा क्या है या दोस्त की परिभाषा क्या है। क्यों? क्योंकि प्रेम का पैमाना, दोस्त का पैमाना बदलता रहता है। जो इनोसेंसी है, जो प्योरिटी है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, हमें वहां तक पहुंचना है। उस चेतना के सागर में से जो कचड़ा है, जो मैल है, वो सब निकाल के फेंक देना है हमें। कौन सा मैल है? थोड़ा सा भाव गलत आएगा, अहंकार आ जाएगा, थोड़ा सा भाव कि मेरा दोस्त मेरे से ऊपर कैसे है, आज मेरा पति ऐसा क्यों किया, मेरे पति ने, मेरा प्रेम का पैमाना बदल गया, आज मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, पैमाना बदल गया। और हम चुप्पी साध लेते हैं, मौन इसी का नाम है, मौन ऐसे ही आता है। जब हम टकराते हैं, धोखा खाते हैं, तो हम चुप हो जाते हैं, उसके बाद प्यार उमड़ने लगता है, उसके बाद प्रेम की भाषा जो है, प्रेम का पैमाना फिर नहीं बदलता, उससे नीचे का जो प्रेम का पैमाना वो बदलता रहता है। सेल्फिशनेस। तो आर्किटाइपल जो वैल्यूज हैं हमारी, हायर एबिलिटीज जिसको बोलते हैं, हायर एबिलिटीज, यू डेवलप योर हायर एबिलिटीज लाइक एंजेलिक फॉर्म। जैसे परियों की कहानी हम सुनते हैं कि तो बस प्यार ही बरसाती है, दैट इज द गॉडेसेस ऑफ लव, जो प्यार बरसा रही है, गॉडेसेस ऑफ लाइट, जो प्रकाश बरसाती है। और हमें भी वही चाहिए, हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, जो प्रकाश देने वाले हो, जो प्यार देने वाले हो, जो करुणा बांटने वाले हो, जो एकता बांटने वाले हो, जिनके पास इतना गुडनेस है, अच्छाई है, वो सब कुछ संपूर्णता चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, हम शाश्वत हैं, हम शाश्वत है। क्यों? वी आर द प्योर कॉन्शियसनेस। उसमें से कचड़ा निकल चुका है, ये सब खत्म हो गया, कचड़ा, ना मेटेरियलिज्म बचा है नीचे से, ना माया बची है, ना मोह बचा है, वो मोह खत्म हो गया है। आप अपने परिवार को ऐसे ही देखिए, बहुत टफ है ये, बहुत टफ है। डिटैचमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लव करना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट। करुणा उत्पन्न करना, अपने हृदय के दरवाजे खोलना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं। तो हमारे भीतर जब तक हमारे भीतर सुप्रामेंटल बॉडी यानी कि मन से परे जो एक शरीर है, जिसको हम आनंद का शरीर, कारण का शरीर बोलते हैं, जहां से हमारे वो कचड़ा मिट जाए, जो कारण, जिन कारणों से हम इस मनस को लेकर आए, इस पूरी फैमिली को लेकर आए, जहां पे हमारे कर्म सिद्धांत लिपटे हों, उनसे डिटैच होना, उनसे डिटैच होके सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव, प्योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू एम्प्टीनेस, जहाँ पे तुम्हारे हृदय खाली है, कुछ भी नहीं है। मैं 2 बार इजिप्ट गई, तो इजिप्ट में जो मम्मीज हैं, जहाँ पे वो मृत्यु का जो शरीर, मृत शरीर रखा जाता है, वहां पर अंदर जाने का मौका मिला, देखा हमने। इजिप्ट में पिरामिड्स, बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। हम तो उनके आगे इतने से कण मात्र ही हैं अगर हम उन पिरामिड्स को देखते हैं। तो उन पिरामिड के नीचे जो मम्मीज रखते थे, मृत शरीर रखते थे, आज भी वो जैसे मेरी त्वचा है ऐसे उनकी त्वचा है। तो उन पिरामिड्स के अंदर जो एक पेपेवर प्लांट होता है, उसको लपेट देते हैं, उस बॉडी को लपेटा हुआ है। अब वहां पर एक जार रखा है हर एक डेड बॉडी के साथ ही, उस जार के अंदर उनका ब्रेन निकाल के रखा हुआ है और प्रिजर्व किया हुआ है। तो वहां पे लिखा है, हृदय का एक पिक्चर बना है जिसके अंदर ऐसे चैम्बर है कि दैट इज द एम्प्टीनेस ऑफ द हार्ट। हार्ट नहीं निकल सकता बॉडी से, ब्रेन को निकाल के अलग कर दिया है वहां पर। तो शुरू में जब गए तो सरप्राइजिंग था वो मेरे लिए भी, वो अनुभव कि हम जब अपने हेड होम को यानी कि हम दिमाग से जब बात करते हैं, चालाकियां करते हैं, हर चीज में अपने मन को हम बांधते रहते हैं, उस कॉन्शियसनेस को झजोड़ते रहते हैं, उस चेतना के अंदर पता नहीं क्या क्या गंध भरते रहते हैं, वो सारी चीजें वहां पे। वो एक ही उस लाइन में लिखा था कि यू जस्ट डू योर वर्क विद योर हार्ट, यू फॉलो योर हार्ट, दिल से फॉलो करिए, ऐसे वहां पे लिखा था, जस्ट फॉलो योर हार्ट। दैट्स व्हाई द हार्ट इज विद इन दैट बॉडी, नॉट ब्रेन। तो अब हमारा प्रैक्टिस क्या है? बचपन से हमारा प्रैक्टिस है कि हम दिमाग से, चालाकियों से, उस मन से, इंद्रियों से, उनमें वशीभूत रहते हैं। उन वशीभूत होके हम जो प्रेम का जो बीज है, वो अंकुर है, वो बुझ जाता, मिट जाता है, वो उगता ही नहीं। फिर वहां पर उन्होंने लिखा कि आप ये जो ब्रेन है ये इसीलिए बाहर प्रिजर्व किया, कुछ और भी, इंटेस्टाइन भी प्रिजर्व की हुई थी, और हार्ट लेकिन अंदर ही था। और सभी मम्मीज के जो हाथ थे वो ऐसे थे, हृदय के ऊपर थे। तो वो ये पूछा हमने कि ये हृदय के ऊपर उनके हाथ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि दैट इज द डायरेक्ट कनेक्शन विद द हायर, जो हमारे गॉड्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे होता है। तो अगर एक मृत शरीर में वो जो उसके भीतर जो एस्ट्रल एनर्जी है वो अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो दैट इज द आर्किटाइपल क्वालिटीज, द हायर एबिलिटीज जो हमें उत्पन्न करनी है, और वो हमें 2 सेकंड में या 2 दिन में नहीं आएगी। वो हमें प्रयास करना पड़ेगा, कॉल इन करना पड़ेगा, कॉल इन द आर्किटाइपल गॉडेसेस जो हमारे पास हैं। नवरात्रों में जो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम उस प्रेम की मूर्त को कैसे याद करें, बुलाएं, सच में जल्दी मत करो। जब भी आप पूजा करो, आंख बंद करके प्रेम में डूब जाओ, वो डुबकी लगाओ उसमें कि वो सच में प्रेम बरसा रही। ऐसी प्रेम की मूर्त। एक और मुझे छोटा सा और एग्जाम्पल याद आ गया कि जब मैं आनंदा करुणेश का जो ये पुस्तक है सरस्वती माँ का और लक्ष्मी माँ का चैनलिंग वाला पुस्तक पढ़ रही थी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो एक बात और सीखी प्रेम में ही, ये बात सीखी कि जो प्रेम है उसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, भाषा नहीं होती उसके, उसमें कोई स्पर्श भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर आप एक देवी माँ के स्वरूप को, उनके चरणों के पास अगर अपने भाव को महसूस करो, उसको छू भी नहीं रहे हो, उस माँ की मूर्ति को छू भी नहीं रहे हो, या माँ के स्वरूप को देखते हुए उसके चरणों की, उसको छू भी नहीं रहे हो, तुम छू नहीं रहे हो, लेकिन आपका प्यार बरस रहा है उसके लिए, तो भी आप उनकी एनर्जीज को फील कर पाते हो। तो प्यार का जो पैमाना है, जहाँ पे हम पूरा दुनिया लड़ती है, जहाँ पे वो चीज मुझे 6 साल पहले समझने का मौका मिला कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी लैंग्वेज। आप पक्षियों से प्यार कर सकते हो, उसमें कोई भाषा की जरूरत नहीं है। आप बिना छुए भी प्यार कर सकते हो। वहां पे ऐसा फीलिंग था कि जहाँ पे पार्वती माँ के पैर हो और उसके आगे आप बिना छुए हुए ही उसकी ऊर्जा को महसूस करते हो। दैट इज द लव, दैट इज द लव, जहाँ पे आप उसको सच में प्यार आपके भीतर उमड़ने लगे कि ओह माय गॉड, इतना ऊर्जा, इतना प्यार का संचार उनके पास है, उनके कण कण में, रोम रोम में वो बसा हुआ है। देवी माँ का स्वरूप अगर हम देखते हैं, एनी गॉडेसेस जिसके स्वरूप को आप देखना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, जैसे तारा माँ, गॉडेसेस में से एक तारा माँ है जो पूरी सृष्टि को टेक केयर करती है, संभालती है। तो ऐसे आप जब मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन में इन 9 दिनों में आपको जरूर से जरूर ऐसी माँ के दर्शन करें, ऐसी एनर्जीज को फील करें, द अबंडेंस ऑफ लव, जहाँ पे आपके पास सिर्फ प्यार ही प्यार बरस रहा हो। बैठ जाइए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आपका दिल है उतनी देर बैठ जाइए। चलिए अब हम बस 2 मिनट और बात करेंगे। जैसे जो नवरात्रि है, नव दुर्गा माँ की हम बात कर रहे हैं। पहला दिन था शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, जहाँ पर हम चेतना का उद्गम जो देवी हैं वो करती हैं। हर चीज में चेतना की उत्पत्ति, यानी कि चेतना मतलब द कॉन्शियसनेस, और चेतना मतलब कि जो कॉन्शियसनेस, दैट इज द प्योर लव। बिना प्योरिटी ऑफ लव के कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। मदर नेचर ऐसा उत्पन्न करती है कि वो पूरा पेड़, बीज से पेड़, और पेड़ से फल, और फल से फिर से बीज, इतनी उसके अंदर शक्ति है, जननी है वो। और उसके बाद फिर आता है हमारा चंद्र घंटा देवी माँ, जहाँ पे साउंड, दैट इज द साउंड, एक टेरिटरी है। जब किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है इस धरती पर, कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उसका एक टेरिटरी फिक्स होता है कि इतने पत्ता है, मूली का पत्ता इतना है, नीम का पत्ता ऐसा है, वो पत्ता ऐसा है, वो जीव चींटी इतनी बड़ी तो नहीं होती शेर जितनी, तो वो एक एरिया निर्धारित करती है मदर नेचर। मदर नेचर जब एरिया निर्धारित करती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचारिणी। वो एक चेतना के स्वरूप का दायरा फिक्स करती है, जैसे मच्छर का, मक्खी का, चींटी का, पक्षी का, ह्यूमन बीइंग, ये सब दायरे फिक्स हैं। कान इतना लंबा तो नहीं होता कि बढ़ता ही रहे, या नाक इतना लंबा नहीं होता बढ़ता ही रहे, या चींटी इतनी लंबी तो नहीं होती बढ़ती रहे, नहीं। एक सबसे पहले ब्रह्मचारिणी वो चेतना के स्वरूप को देखकर फिर वो एक एरिया सेट करती है मदर नेचर। इट इज अ मैथमेटिक्स, दैट इज द गोल्डन रेशियो, कई बार हमने चर्चा की है। उसके बाद आता है चंद्र घंटा, द साउंड। उस साउंड, उसके जब एक दायरा फिक्स हो गया, एक ऐसे दायरा फिक्स हो गया स्वरूप फिक्स हो गया कि तेरा पत्ता फूल बीज ऐसा होगा, उसके बाद उसके अंदर साउंड आती है, वाइब्रेशंस पैदा होती है। तो जब वाइब्रेशंस आती हैं तो वो जो साउंड उत्पन्न होती है उससे उसका डिजाइनिंग फिक्स होता है, डिजाइन करती है, वो डिजाइन करती है कि एक पत्ते के ऊपर ऐसा कट होगा, फूल ऐसे रंग का होगा, फूल की इतनी पत्तियां होंगी। इसी तरह इंसेक्ट जो किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बर्ड किंगडम है, प्लांट किंगडम है, हर चीज में मदर नेचर उस चंद्र घंटा, मैं तुम्हारे भीतर चंद्र घंटा के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हूँ। आई एम गिविंग द डिजाइन, वो डिजाइन देती है अलग अलग वाइब्रेशंस के रूप में। वो वाइब्रेशंस हैं, आपने देखा होगा कि अगर ये जो एक घास होता है लेमन ग्रास, उसका जो पत्ता है उसमें कहीं कट नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक बहुत लंबा पत्ता है। तो हु डिजाइन्स दिस? चंद्रघंटा डिजाइन दिस। दैट इज द गॉडेस ऑफ साउंड, द गॉडेस ऑफ वाइब्रेशन, द गॉडेस ऑफ डिजाइन। वो उसको डिजाइन करती है। तो जैसे आपके सुदर्शन का अगर पत्ता देखा हो तो उसमें भी बीच में कट नहीं है, उसकी वेन्स जो है सीधी जाती है, ऐसे स्ट्रेट जाती है। वो डिजाइन दिस, चंद्र घंटा देवी ने डिजाइन किया। तो हर एक जीव के भीतर वो बसी हुई है। दैट इज द फेमिनिन एनर्जी जो वाइब्रेशन के रूप में हमारे भीतर स्थापित है। और आज हमारा फोर्थ जो नवरात्रा है कुष्मांडा देवी, जहां पर हम फिर जब वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, साउंड पैदा होती है, तब हम एक स्पर्म और ओवम को, एक अंड स्वरूप को जन्म देते हैं। तब वो जननी बनती है, तब वो निर्मित करते कि अच्छा तुम्हारा बीज का शेप ऐसा होगा। चने का बीज आप देखा होगा, दालों का बीज आपने देखा होगा। सभी जो स्वरूप देने वाली है वो है हमारी कुष्मांडा देवी, जहां पे वो आपने कुष्मांड मतलब कि द प्योर एसेंस ऑफ स्वीटनेस, कुष्मांड जो आपने पीठा आपने देखा होगा। आयुर्वेद में उसको सबसे पहले नंबर पे रखा है कि इट इज द मेदकारी, बुद्धि को बढ़ाने वाला, मेदकारी बोला है उसको। तो जहां पर हम उस प्रेम के स्वरूप फूटने लगे, जो प्रेम का स्वरूप फूटने लगे, कुष्मांडा जो को क्रिएटर्स बन जाए, जो जन्म देने लगे दूसरों को, जननी बन जाए जो। तो इस प्रकार से जो देवी का स्वरूप है हम इस प्रकार से देखें आंख बंद करके, कि आपका तीसरी आंख का जो प्रकाश है वो आपको दिखा देगा कि देवी का स्वरूप कैसा होता है। वो पिक्चर मत लाइए जो आप फिजिकली देखते हैं, नहीं, आप अपने अंदर से उस पिक्चर को निर्मित करिए। आपने निर्माण करना है उस पिक्चर का, निर्मित करिए उसको। ओके, बहुत लंबा हो गया आज, चलो थैंक यू। हाँ, तो अनएंडिंग स्टोरी है। फेमिनिन एनर्जी इतना वंडरफुल है, अनएंडिंग है। आने वाले समय में हम इसको एक एक करके बहुत विस्तार से बात करेंगे, ताकि हमारे अंदर जो बॉडीज रह जाती हैं हर जन्म में, हम फिजिकल बॉडी को, वाइटल बॉडी को, मेंटल बॉडी का तो निर्माण कर लेते हैं, ये चलाकी ये सब हो गया निर्माण, अभी इसको वैनिश करना, खत्म करना है। उसके बाद हमारे पास जो सुप्रा मेंटल इंटेलिजेंसिया बोलते हैं इसको, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, जहाँ पे हम अपनी हायर मेंटल एबिलिटीज को स्थापित करते हैं, मनुष्य से ऊपर होने का गुण, परमात्मा महात्मा बनने के गुण को स्थापित करते हैं। ओके, तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। अब एंजॉय करिए, देवी माँ के स्वरूप को देखिए, ज्योत लगाइए, एंजॉय करिए, बाहर नेचर में जाइए, मदर नेचर को देखिए। आज जो कुष्मांड और चंद्र घंटा की बात की, तो एक दो पत्तों को आप जरूर देखिए कि कैसे मदर नेचर निर्माण करती है, पत्तों को फूलों को देखे कि कैसे मदर नेचर एक पूरा प्योर मैथमेटिक्स के तहत ये काम होता है। हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम इंकार को लेके खड़े रहते हैं। इतना मोटा डंडा इंकार का पड़ा रहता है हमारे साथ ही। ओके, बाय, टाटा, लव यू।